इस कार्यक्रम के मुख्य हीरो हम सबके आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हनुमान सिंह जी सोडा साहब, गिरधर सिंह जी कोटड़ा, परमानंद जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र सिंह भियाड़, देवीलाल जी, हम सबके मेरे अजीज मित्र पुरुषोत्तम जी खत्री, मदन जी सैन, सामने विराजमान पिता तुद्रुप बुजुर्गों, युवा साथी, आज सर्वप्रथम मैं उन युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हनुमान सिंह के पक्ष में एक शानदार रैली का आयोजन किया। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि परसों 7 तारीख को हिंदुस्तान के एक नया इतिहास बनने जा रहा है, राजस्थान में एक नया इतिहास बनने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन हम वापस राजस्थान में आना आ रहा है। इसमें हमारे प्रत्याशी की भी भागीदारी हो या 80 विधानसभा क्षेत्र की भागीदारी हो। हमने एक ऐसा जनप्रतिनिधि आपके बीच में लाए हैं, हमारी पार्टी आपके बीच में एक ऐसा जनप्रतिनिधि लाए हैं जो एक बोलड़े साल के व्यक्ति को टक्कर दे रहा है, उसको हरा रहा है। आप थोड़ी सी मेहनत करो, ये 7 तारीख है, अपने बीच में रह करके निस्वार्थ भाव से पिछले 4-5 साल से अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। सामने वाला प्रत्याशी जो अमीन खान है, उसके बारे में मेरे से सभी यदि आप सभी यदि जानते हो, एक भ्रष्ट आदमी है जिसकी उम्र 92 यानी 92 साल हो चुकी है, वो अपनी क्या सेवा कर सकता है, उसको खड़ा करने के लिए 2 लोगों की जान डाल दी। उस व्यक्ति ने हमेशा इस शिव के खिलाफ अन्याय किया है। आपको जानकारी होगी कि शिव मुख्यालय पर एक मॉडल स्कूल स्वीकृत हुआ था, वो व्यक्ति शासन में था, उस व्यक्ति ने यहाँ के लोगों के साथ अन्याय करके वो अपने गांव उस विद्यालय को लेकर अपने सामने 8 करोड़ रुपए का वो विद्यालय आज उसके अंदर कबूतर खोल रहे हैं। नहीं, वो विद्यालय उस मुख्यालय पर होता तो कितने लोगों के, कितने गरीब बच्चों के, गरीब बच्चे इस विद्यालय पढ़ते और कितने अपना शासन आया। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शिव का ध्यान रखा। पिछले 2003 का शासन आया तो आगे से ऐसे इश्यू बढ़े। भारतीय जनता पार्टी का 2003 शासन आया, 2003 में ITI मुख्यालय पर बढ़े। नेशनल हाईवे का मामला हो, सड़कों का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य केंद्र का मामला हो, हमने हमेशा शिव की जनता का सबसे पहले मन रखा। परंतु जो व्यक्ति सीमा पे जो एक नेता ने गांव का रहने वाला है, उसने हमेशा अपने साथ में अन्याय किया, शिव के लोगों के साथ में हमेशा अन्याय किया, उस व्यक्ति को कभी नहीं जीताएंगे। हम इस गरीब राज्य की पवन धरा पर लेटे रहते हैं। हमारे बीच में भारतीय सीमा पर, भारतीय सेना में रह करके भारत की सीमा पर रक्षा करके हमारे बीच में आए ऐसे हमारे मित्र हनुमान सिंह जी, जो हमेशा युवाओं के साथ में रहते हैं, छोटी मोटी प्रधान सिंह 3 साल से काम कर रहे हैं, अपनी जेब के पैसे से चाय पी करके लोगों की मदद करते हैं। आपके बीच में रहने वाला, आप जैसा एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाला हनुमान सिंह के बारे में मेरे से सब ज्यादा जानते हो। आपको 5 मिनट लगेंगे आपके पड़ोस में जाकर के उस व्यक्ति को आप अपनी समस्या बता सकते हैं। हनुमान सिंह आप यहाँ बैठे हो, इन सारे लोगों को व्यक्ति रूप से जानता है, और उस व्यक्ति को कोई नहीं, वो अपने जब भी जीतता है तो अपनी औकात दिखा देता है आपके साथ में। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन आ चुका है, अब छोटी सी कसर ये रही है जो शिव से वो अपन बुलंद कर दे, और हनुमान सिंह जो भारी बदल से विजय बने थे, हनुमान सिंह आपके लिए 24 घंटे सेवा करने के लिए तत्पर रहते रहेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ। हमने एक ऐसे प्रत्याशी का चयन किया है जो हमेशा आपके बीच में, आपके साथ में, और आपके साथ में कंधा मिला करके इस क्षेत्र का विकास करेंगे। मैं ऐसा आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप सभी यहाँ पधारे, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे माधव जी।